बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं वहीद खान, सो देखते हो अपना फैमिली यूट्यूब चैनल वहीद खान तनोली। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम भैन भरा बिल्कुल ठीक ठाक हो सो, खुशबाश हो सो, अल्लाह ताला दी हिफ्ज़ो अमान में हो सो। अल्लाह ताला सारे का अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज दे व्लॉग दा आगाज़ करते हैं, इस तो पहले कि जितने भी हमारे भैन भरा इस चैनल देता नवे हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि माड़ी हर आने वाली वीडियो तुसन तक बर वक्त पहुँचती रहे। और जो भैन भरावान ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए थे उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं एक ऐसी जगह तक खलते दाँ कि इस जगह तक तुसा को आज मैं दसा कि भाई सब्जियों के हवाले नाल माड़ी बैक साइड तक देख सकते हो कि भाई इतना थूम भी लगे दे, मूलियाँ भी लगी दी, और इन्हों की गोडी किस तरीके होती है, इसका किस तरीका कार है। और आज का मैं इस तरह का विलाग तुम्हारे बढ़ा के शेयर करने की कोशिश करदा। और ये माड़ी बैक साइड तो देख सकते हो कि भाई ये सारा जितना भी है ये इसको अस जोंदरा आखते हैं। इसको जो तो कप के माला आ गया बन तो फिर दोबारा नमें से फिर उतना उठ जुलद तो अज के जमीन के हवाले में जी वीडियो है मैं शेयर करने की कोशिश करता। मैं हम कैमरे बैक कर सा माड़े नाल नाल रहो, फिर तुम दसा कि भाई थूम किस तरीके लाए दा है और थूम की गोडी किस तरह होंगी है, मूलियाँ भी लगी दी हैं। और अज जो सब्जियों के हवाले जरा एक देसी अपना एक सिस्टम है उस संग मैं दसना चाहना, तो जरूर देखियो और कमेंट्स में दस्यो कि अज की वीडियो तक पसंद आई है कि नहीं आई। मैं उम्मीद करता जरूर तक पसंद आ सी, माड़े नाल रहो इंशाल्लाह। जी नाजरीन, तुम देख सकते हो कि ये जितना भी इस डोगी के अंदर लगे दे सारा जोंदर है। और कितनी ज़बरदस्त सीनरी है, सब्ज़ा ही सब्ज़ है। और अपना जो देश हज़ार है जी, इसका एक अपना ही खूबसूरती है। ये तुम देख सकते हो कि ये जो बड़ा बूटा लगे दे ने ये चकोतरे का बूटा है, इसको असं चकोतरा आखते हैं, वैसे इसको ग्रे फ्रूट आखते हैं। देख सकते हो इसको वैसे आखते हैं ग्रे फ्रूट, और अपनी जबान दे वैसे इसको आखते हैं चकोतरा। ये मैं दसदा जी, ये जी लगे दा थूम, थूम किस तरीके नाल लाया जुलते और इसका कितनी मेहनत होंगी है, इसकी किस तरीके नाल गोडी होंगी है, ये मैं सारा हम चेक करा सा। ये तमाम देख सकते हो जी, ये थूम है ना लगा लगे दी हैं जी मूलियां, तो देख सकते हो ये मूलियां। इस साइड अंदर जना मूलियां लगी दी हैं, एक भरा लगे तो गोडी कर दे शानी भाई, उसके नाल ही मैं गपशप मार सा, इतना को सारी तफसील दसी कि केड़े सीजन में थूम लाया जुलदा है, मूली लाई जुलदी है, इसका कितनी मेहनत होंगी है। असं लोग तो बाजार पर जुलते हैं तो पैसे दे के खरीद के कहना आते हैं, मगर इसते सारी तफसील तुम को शानी भाई दसन। ये देख सकते हो शानी भाई लगे दिन गोडी करते हैं, फिर इन्होंने गपशप भी मारते हैं, इन्होंने को सारा कुछ पुछसा, ये असा को बेहतर तरीके दसन कि भाई इसका के टाइम टेबल है और किस तरीके मतलब है कि इसका इस्तेमाल होंगे। पहले मैं तुम को मुकम्मल तौर पर ये जड़ा थूम लगे दे और ये मूलियां लगी दी इसके बारे में मैं दसा, ये तो बिल्कुल साग है ना जी शानी भाई, इस सारा पालक है, मेथरी है, छिपर भी है ने। बाकी तुसों को शानी भाई आप तफसील नाल दसन जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी शानी भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खरियत है अल्हम्दुलिल्लाह।
ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੇਜੀ। ਜੀ ਬਸ ਛੁੱਟੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਲਾ ਕੋ ਗੋੜੀ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੋੜੀ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਦਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਲਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਂ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੂਮ ਦੀ ਗੋਡੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਥੂਮ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਲਾਣਾ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਨਜ਼ਰੀਓ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਤੁਸਾਂ। ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਾਨੇ ਹੋਣੀ ਅਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥੂਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਥੋੜੇ ਵੱਖੇ ਵੱਖੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸਾ ਬਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਇਸਾ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਲਾ ਸਟਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਨੇ ਆ ਜੀ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਆਂਦੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਯਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਟਨੇ ਆ ਇਸ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਪਕੜ ਜੁਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਕੜ ਜੁਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜੁਲੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋ ਬੂਟੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀਆਂ ਸੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਸਤਲਿਫ ਬੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਗੋਡੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹੋਰ ਬੂਟੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੀਆਂ ਖਾਦ ਪਾਣੇ ਆ ਉਸੇ ਤਾਂ ਕੋ ਸਾਰੀ ਬੂਟੀਆਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਨੀ ਬਾਈ ਇਹ ਥੂਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਨਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਲਾ ਸਟਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੂਲੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੁਮਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਬਾਈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਮੂਲੀ ਜੁਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਣਦੇ ਆ ਇਸ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਥੂਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਾਂ ਵੀ ਬੀਚ ਆਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਬੀਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬੜਾ ਕੇ ਪਾਸ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਟਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਲੀਆਂ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਫਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਲੇ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਲਾ ਵੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਮਕਟਾ ਜਾ ਬਣ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਰਮ ਕਰਨੇ ਬਣ ਇਸ ਚੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੋਕੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਆਂ ਕੋ ਪਾਣੀ ਜੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਛਿਪਰ ਛਿਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛਿਪਰ ਮੂਲੀਆਂ ਪਾਲਕ ਮੇਥਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੱਲ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਗਾਜਰਾਂ ਚਕੰਦਰਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਗੋਭੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਗੋਭੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮਾੜੇ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸੋ ਔਰ ਜਿੱਥਾ ਅੱਜ ਮੂਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਾ? ਹਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨੇ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਮੂਲੀਆਂ ਦੱਸਣੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੂਲੀ ਕਾਬਲੀ ਮੂਲੀ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂਲੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੇ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਅਸਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਛਿੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਅਸਾਂ ਪਾਲਕ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਧਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੋਗਲ ਮੇਰਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਂਦਰਾ ਜੋਂਦਰੇ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋਂਦਰਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੇ ਮਹੀਨਾ ਵੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰੇ ਮਰਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਪਾ ਜੁਲੇ ਦੇ ਦੋ ਤਰੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਕਰ ਕਪੋ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਕੋ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਰਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨੀ ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕੋ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਗਟਰ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਿਓਰ ਖਾਲਸ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਸਹੀ ਇਹ ਮੂਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿੱਠੀਆਂ
कितनी मेहनत होंगी है। तुम आखते हो कि भाई थूम लाना कोई आसान गल नहीं होंगी। हूँ शानी भाई सुबह के लगे दिन मैं तो हूँ ही इन्होंने को आया और अज का दिन जोड़ा है ना इन्होंने अपनी जिमी बच्च गुजार छोड़ने गोडी छोड़ी कर सुन यही गल है जी। एतवार का दिन है अज इन्हों की छुट्टी भी है तो इस वास्ते जोड़ा है ना मैं सोचा कि भाई तो लंघदे जरूर विजिट कराव। एक तो अखियों की रोशनी तेज़ हो जो सब्जा देख सो तो दूआ तुसा को मज़ा आ सी कि भाई जदों तुसा थूम देख सो मूलियाँ देख सो और इस इलाके की खूबसूरती देख सो तो इस वास्ते जोड़ा है ना माड़ी कोशिश होया कि भाई मैं तुसा को अच्छी जी सीनरी वाली अच्छी जी जगह की सैर करावा ताकि तुसा आज इसको समझ गए कि भाई खेतों की सैर क्यों जी हाँ जो हजारे के खेतों की सैर हूँ अस जुलते हैं जी दुई पट्टी भी इंशाल्लाह तक मनाल उतना विजिट कराने तुसा को उतना कोल के कुछ है वह भी तुम दसते हैं इंशाल्लाह माड़े नाल रहसो। नाजरीन अस हम आए हैं जी दुई पट्टी बिच इतना हम शानी भाई सू दसन जी इतना मूलियाँ चेक करो जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी सही बड़ी बड़ी मूलियाँ जो मूलियाँ पट्टे दे मैं तुम चेक करा सा और जड़िया देखो जनाब ये सारिया बड़िया बड़िया मोटिया मोटिया मूलियाँ जनाब ए देखो जी शानी भाई तुम चेक करा सन माशाल्लाह जी माशाल्लाह देख सकते हो तुम जबरदस्त ये सही मोटिया मोटिया मूलियां जनाब और बिल्कुल खालस बेहतरीन। चुकंदर केड़े पासे लगी थी शानी भाई वो आगे लगी थी आओ जी आओ तुसां हूं तुसां बस दस दे जी चुकंदर भी ये पालक लगी थी तुसां देख सकते हो तमाम जितनी भी लगी जी देखो सारिया मूलियां और सही बड़िया बड़िया माशाल्लाह जबरदस्त किस्म दी मूलियां जिसको तुम आखते हो ये जी वीडियो मैं हूँ पहली दफा ही बना रहा तुसा वास्ते क्योंकि अस लोग तो बाजारों में खरीदते हैं चीज़ और इतना जी ओरिजिनल प्योर तुसा जो हम थोड़ी देर तुम बाहर गए बुलियां पट्टियां वो भी चेक करा सा अच्छा जी ना जी ये देखो जी ये है जी सारी चुकंदर ये कितने टाइम पे तैयार होती है जी ये छः महीने पे तैयार होती है जी चुकंदर जी देख सकते हो चुकंदर भी है धनिया भी है पालक भी है सब चीज़ लगी दी कड़म का साग भी है जी ये चुकंदर है ना जी माशाल्लाह। अच्छा ये क्या चीज शानी भाई कड़म का साग इसको आते हैं जी कड़म का साग बेहतरीन जनाब देसी खालस सब्जियां जिसको आते हो ना वो ये आज मैं जबरदस्त जगह पे आया
और जबरदस्त जगह भी अज्ज दी मैं वीडियो बना के तुसां नाल शेयर करने की कोशिश की है, जिस विच कड़म दा साग, चुकंदर, मूली, पालक, धनिया, मेथरी, थूम, चुकंदर, ये सब चीज़ जिहड़ी है जी, ये असां दे शानी भाई हैं, इन्होंने असां को दस्सिया। शानी भाई तुसां दा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसां ने असां को विजिट कराया, और असां जो देखना सुनना वाले जो लोग हैं वो अज देख सुन उन्हों को मज़ा आसी इंशाल्लाह हुक्म नाल। और कुछ इसके बारे में कोई गलबात करना चाहते तो कर सकते हो, असें देखने वाले जो ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी जी, जजाक अल्लाह जी। शानी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तकलीफा से माजरत चाहसा, और तुसने अज असा विजिट कराया, हम जो मूलियां पट्टी दी असं दसाओ तो फिर असं जुड़ते हैं अपने नाजरीन को उतो फाइनल करते हैं जी इंशाल्लाह। खराब ना हो इस वास्ते पालक, मूली, थूम, चुकंदर, कड़म दा साग, धनिया, मेथरी, ये हर चीज़ खालस मिठे पानिया दी शानी भाई ने असा को आज विजिट कराया। और ये जड़ी जगह जी सारी बिशारत भाई ने लाई दी है, इन्हां दी नाल दुकान भी है बिशारत भाई दी। हुण मैं दुकान दा जुलदा विजिट करदा, और दुकान पर जिहड़ियां मूलियां रखी दी ने बेचने वास्ते वह तुसां को मैं चैक कराना जनाब। ये इत्थों बाहर निकलने दा रस्ता कर दें जी इत्थों असां बंद, ताकि अंदर कोई जुले ना। शानी भाई ने रस्ता बंद कर छोड़े, हूँ असं जुड़ते हैं दुकान का, दुकान का जुड़ के असंग दसते हैं कि मूलियां जड़िया अस जमीन जो पट्टियां बिशारत भाई ने वो केड़ियां और किस मकदार बिच कितने साइज बिच देख सकते हो। ये असंग बिशारत भाई है नाल शानी भाई दे बड़े भरा वड़ा शानी, और ये है जी निका शानी। इसको हम लग गई है त्रे अस उसी पानी भी पीसी, और ये आ गई जनाब मूलियां माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देख सकते हो ये असंदे बशरत भाई की दुकान भी है। और शानी भाई जरा मूली पकड़ के दस्यो जी भाई खान साहब, फुल साइज़ माशाल्लाह जी माशाल्लाह, तो देख सकते हो कनाडा का बी है, और ये बिशारत भाई ने लाई दी है, और ये पट्टियां पट के दुकान ला के रखी है। ये हम किस तरह देंगे जी शानी भाई? बस मोहब्बत किसियां भी चाह देने। अच्छा, उस तो बाद देखो इन्हें कुछ तिकड़ा करके इस तरह लून मर्चा ला के ते इन्हों को फिर वो फरोख्त कर दें जी, बच्चे खाते माशाल्लाह, और जबरदस्त मिठी मूली है जी। मैं उम्मीद करता कि हमारी आई थी वीडियो जरूर तुम पसंद आई उसी, और इसको जरूर देख सो, लाइक भी कर सो, शेयर भी कर सो, और कमेंट्स पे दसो कि आई थी वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई। और आज की बेहतरीन वीडियो में तुम तैयार की सब्जियों के हवाले नाल, और असं शानी भाई ने एक दफा फिर मैं शानी भाई का शुक्रिया अदा करदा कि शानी भाई ने आज असं विजिट कराया है जमीना का, और जमीना के बच्चे असंको आज तमाम सब्जियां भी दसियां और मूलियां भी चेक कराई, और तमाम चीज़ जी इन्होंने को लगी थी चेक कराई है। इस ही अपना मुझ सारा ख्याल रखियो, दुआओं में याद रखियो, मैं हम तुम को मंगसा इजाजत, असलामुअलैकुम।